Hi, I am Dr. Vishwa. I am consultant neurologist at Kailas Hospital, Sector 71. सर हैं 78 ईयर मेल जो कि हाइपरटेंशन है उनको 10 साल से, और कल दोपहर 3 बजे उनको लगातार उल्टियाँ हुई और थोड़ा लड़खड़ाहट लगी और गिर गए थे। तो ये तुरंत हॉस्पिटल आ गए। आने के बाद हमने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन नॉर्मल था। फिर उसके बाद हमने एमआरआई कराया, एमआरआई में ब्रेन के पिछले हिस्से में एक स्ट्रोक दिखा। तो ये अच्छा था कि बाबा जी विद इन 4 घंटे पहुंच गए हमारे पास। तो वो क्लॉट ब्रस्ट करने वाली जो दवाई होती है, टेनेक्टिप्लेज बोलते हैं, वो हमने 4 घंटे में उनको दे दिया, और जो थोड़ा बहुत लड़खड़ाहट थी वो आज बाबा जी का काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और हमने दोबारा इनका सीटी स्कैन भी किया था, उसमें वो दवाई की वजह से कुछ ब्लीडिंग नहीं है, तो बाबा जी अभी सही है। तो बताने का ये है कि जब भी स्ट्रोक होता है, अगर 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर आ रहे हैं तो इलाज तुरंत हो जाता है और पेशेंट काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाते हैं। और हमारी यहाँ की आईसीयू टीम बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सारा सब कुछ, इंजेक्शन तो हमने दे दिया था वो क्लॉट डिजॉल्व करने वाली, और उसके बाद जो भी केयर है सब कुछ रात भर आईसीयू की टीम ने, इन्होंने एक एक घंटा इनको मॉनिटर करके सब स्टेबल रखा है। सो मैम आईसीयू टीम में है, सर भी हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स आदमी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, लाइक फेस में डिविएशन हो रहा है, कहीं पे वीकनेस हो रही है, जबान में लखड़ाहट हो रही है। सो द अर्लियर इट इज़ रिकॉग्नाइज द बेटर इट इज़। मेरा नाम कमांडर सुधींद्र कुमार है। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। आई हैड ए स्ट्रोक अराउंड 3 o'clock and the younger daughter brought me to Kailash Hospital, which was the nearest, and she is also patient of this hospital. So she brought me immediately to this place, and then they took my ECG and MRI, and then it was suggested that I should take treatment within 2 hours, and it is the best hospital in the local, and I am really happy. I feel I have got a next life.